अभी कल हमने देखा कि सीमा हैदर केस जो जेवर कोर्ट में, जब सीमा हैदर केस पहुंचता है तो वो वहां जो मजिस्ट्रेट साहब है वो बोल देते हैं कि ये हमारे पावर में नहीं है, इसलिए हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, आप इसको जिला जज के यहाँ ले जाएं, आप इसको सेशन कोर्ट में ले जाएं। तो वो कहते हैं जी ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आज उन्हें जो सर्टिफाइड कॉपी उनको मिल जाएगी, उसके बाद जो है वो सेशन कोर्ट में इस केस को प्रोसीड करेंगे और आई होप कि इसका अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, और बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि भगवान भी अगर किसी को माफ देता है तो सबसे पहले उसे हंसाता है, जैसे सीमा हैदर को हंसाया है। तो सीमा हैदर का जो है भाई अभी खुश हो रही है, लेकिन उसको नहीं पता आती कभी अंत होता है, तेरा भी अंत होगा। दूसरी एक बात और, उसके भैया ने उसको फोन करके बता दिया होगा कि ये वो निकला है, कंक्लूजन निकला है भाई, इस तरह का ऑर्डर करा है मजिस्ट्रेट साहब ने, तो वो तो खुशी के मारे फूली नहीं संवारी। तो वो कल लाइव आई थी, लाइव आके बोलती है कि जो लोग मेरी बुराइयां करते हैं मुझसे जलते हैं। अबे तुझमें है क्या जलने के लिए, हाँ तेरे जैसे से जलेंगे हम लोग, मेरी बात सुन, अब तेरे को जो माइंड मेकअप करना है तू कर ले, क्योंकि तेरे पास ज्यादा दिन तो लाइव सेशन करने के बचे नहीं हुए हैं, क्योंकि तू जाने वाली है बहुत जल्दी जेल, और जेल में जाके तेरा क्या होने वाला है, वहां तू मुजरा करियो या वहां तू गाना गा के दिखाना, जो तेरा मन करे तू वो वहां कर सकती है, क्योंकि तेरे लिए जो स्पेशल जगह है वो है इंडिया की तिहाड़ जेल की स्पेशल सेल, ठीक है, उसी में तू रहेगी और वहीं तेरे को रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता तू तिहाड़ जेल जाए या जेवर जेल जाए या गौतम बुद्ध नगर जेल जाए, हमें ना सिर्फ तू जेल में चाहिए, और उसके बाद यहाँ की सजा काटने के बाद ना तुझे पाकिस्तान तो जाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का कहना है पाकिस्तान में उसको मार दिया जाएगा, ओ भाई अगर उसको ये बात तो उसको आने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब उसको मारे पीटे कुछ भी करें, वी डोंट केयर यार, हमें क्या फर्क पड़ना है, उसके साथ कुछ भी हो कुछ भी ना हो तो हमें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो अब मोमिन मलिक सर का कहना है कि हम देश की जो महिलाएं हैं, वो जो भारत देश की महिलाएं सभी के सभी मिलके एकजुट होकर आवाज उठाएं कि सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। तो हम सब महिलाओं का कर्तव्य है, हमारे जो देश का जो शेर है एडवोकेट मोमिन मलिक जी के रूप में, हमारे भारत देश का जो बेटा है, भारत देश का जो भाई है, तो भारत देश के हम उस भाई का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और मोमिन मलिक सर हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। वही मैं आपको आगे बताती चलूं, जो सीमा हैदर जितना भी हम लोगों को, वो भी तो हमें ट्रोल करती है, हमें लगता है कि हम ही उसे ट्रोल कर रहे हैं, नहीं वो भी हमें ट्रोल करती है, वो भी लाइव सेशंस करती है, लाइव सेशंस में वो बोलती है कि मैं मेरे हेटर्स को ये बोल रही हूँ, तो उसके हेटर्स पाकिस्तान से ज्यादा तो उसके हेटर्स इंडिया में है, देखो पाकिस्तान में उसके हेटर्स हैं, ये तो लाजमी है, क्योंकि वही उनके मुल्क को गाली दी है। अब वो इकलौती गुलाम हैदर की दुश्मन नहीं है, गुलाम हैदर के साथ उसने गलत नहीं किया, मतलब किया है, मतलब मैं एक बात समझा रही हूँ, खाली गुलाम हैदर के साथ ही उसने गलत नहीं किया, उसने पूरे मुल्क को गाली दी है, पाकिस्तान को, तो मुल्क तो वो सभी पाकिस्तानियों का हुआ ना, तो पूरे मुल्क को उसने गाली दी है, तो जब मुल्क को उसने गाली दी है तो पूरे मुल्क की वो दुश्मन हुई, मानोगे नहीं इस बात को, तो भाई पूरे मुल्क की वो दुश्मन है। तो सीमा हैदर तू भगोड़ी, तू भागेगी, तू जाएगी दुनिया से, आया तुझे समझ, और जिस टाइम तू मरेगी ना तुझे कफन भी नसीब नहीं होगा, वो काम तूने किया है। और भगोड़ी सुन, रही बात लानतें भेजने की, बहुत लोग कहते होंगे हम हर रोज एक ही बात रिपीट करते हैं, ऐसे ही करेंगे जब तक तू इंडिया से नहीं जाएगी, हम एवरीडे यही रिपीटिंग करेंगे, यही बात की हम रिपीट करेंगे, हम एक बार नहीं हम लाख बार कहेंगे भगोड़ी तेरा बुरा हाल होगा। और सुन, जिस मुल्क को तू गाली देती है, जिसने तुझे पाला, तुझे परवरिश दी, जहाँ तेरे माँ बाप की कब्रें हैं, जहाँ तुझे वहां तेरे बच्चों को अच्छी परवरिश मिल रही थी, तो तुझे आईआरसी के चक्कर में वो तुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, तू क्या कहती है कि हम तुझसे डरते हैं, अरे तेरे जैसे से डरेंगे हम अपने इंडिया में रह के। और सुन क्या कहती है, मेरा भारत महान, देख मेरा तिरंगा, मेरा भारत महान, हमारा भारत महान, भगोड़ी ना तेरा भारत कभी था ना है और ना ही कभी होगा, आया समझ, तेरा भारत, तेरा भारत ऐसे बोलती है ना, तू माथे पे भी लिखवा लेगी ना, जब भी तेरे कहने से ये तेरा भारत नहीं होगा, ये हमारा भारत है, ये महान था है और रहेगा, आया तुझे समझ, तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। दूसरी एक बात और, बहुत सारी जगह बातें चल रही है कि इसको कुछ सपोर्ट मिल रही है, कुछ इसको पॉलिटिकली सपोर्ट है, कुछ ये है वो है, देखो मेरा इतना मानना है, मैं भरोसा करती हूँ रब पे, तो जब रब की लाठी चलती है ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। दूसरी एक बात और, मैं आप लोगों को बताती चलूं
कि चाहे इस पे कोई सा भी सपोर्ट हो, लेकिन जो हमारी ऑनेबल कोर्ट करेंगी उनके सामने किसी का भी सपोर्ट कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी जो ऑनेबल कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे पीएम सीएम पीएम मतलब सबको मानना पड़ता है, चाहे हमारे वो राष्ट्रपति जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, वो हमारा सबको मानना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो ऑनेबल कोर्ट है उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, हमारी अदालतों से ऊपर, हमारे कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, हमारे संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे कोई सा भी सपोर्ट हो, अब हमारी जो जब हमारी कोर्ट सेक्शन में आएंगी, हमारी कोर्ट कुछ भी जो इसके लिए ऑर्डर करेंगी वो सब सर्वोपरि होगा और वो सबको मानना पड़ेगा। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें और ऐसे ही अपना ये एजेंडा जो हमने चलाया हुआ है सीमा हैदर के खिलाफ वो चला के रखें। रही बात दूसरी, जो सीमा के सपोर्टर हमें ब्लेम्स करते हैं कि हम उसको गालियां दे रहे हैं, ऐसे ही देंगे आप, तुम एक काम करो गले में ढोल डालो अपना और शहर शहर गांव गांव जाके मनादी करनी स्टार्ट कर दो कि भाई ये तो सीमा के खिलाफ है, हमें जब भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते आए हैं और हम ऐसे ही बोलेंगे आया, और तब तक बोलेंगे जब तक सीमा हैदर भारत से नहीं भागी जाएगी। ये बात आप लोग याद रखना। और दूसरी बात, और सीमा तू भी सुन, तूने गलत किया है एक पिता के साथ, तूने कत्ल किया है एक इंसानियत का, तू भारत की देवी बनती है? ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक सो। मैं सोच भी नहीं सकती ये बात की, मतलब तू अच्छाई का संदेश देती है और तू क्या बोलती है मितेश भाटी को कि हमारी भी कोई इज्जत है? तू जानती है इज्जत क्या होती है? तेरे को पता है इज्जत क्या होती है? तुझे कुछ भी नहीं पता। और सीमा सुन, तेरा जो तू जो जितनी बड़ी तू नालायक है ना, इतनी बड़ी नालायक तो मैंने मेरी जिंदगी में मैंने तो क्या किसी ने भी नहीं देखी होगी। नालायक तू है और नालायक ही तू रहेगी। और सीमा सुन, तेरा जो अंत है ना वो बहुत जल्दी आ रहा है और वो मोमिन मलिक के हाथों होगा, क्योंकि जब जब पाप धरती पर बढ़ता जाए तो उसे मिटाने के लिए कोई ना कोई अवतार लेता ही लेता है। तो मोमिन मलिक जी के रूप में तेरा अंत होने वाला है, बहुत शीघ्र तेरा अंत होगा। बस मेरी मेरे भाई बहनों से यही अपील है, सब मिलकर रहें, एक साथ रहें, सबको भगोड़ी को भगाना है, किसी को भगोड़ी चाहिए नहीं, तो सिर्फ भगोड़ी के भगोड़ी को भगाने के लिए भाई हम लोग आवाज ही उठा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं तुमने क्या किया, अब हम तुमसे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया, जैसे तुम आवाज उठा रहे हो वैसे हम उठा रहे हैं। करने के लिए है मोमिन मलिक जी और वो जितना बेस्ट करेंगे वो दुनिया को दिखाई देगा, ठीक है। और जो मोमिन मलिक जी अच्छा कर रहे हैं, हमें जरूरत है उन्हें और ज्यादा, हम उनका जो उनके उनके साथ चले, उनकी आवाज बने, क्योंकि मोमिन मलिक जी का जहां तक मैंने माना है उन्होंने कानून को बिल्कुल घोल, कानून की जो किताबें हैं, कानून का जो ज्ञान है उसको घोल कर पिया हुआ है, क्योंकि मोमिन मलिक जी जो हैं वो बहुत अच्छे कानून के ज्ञाता हैं, बहुत उन्हें नॉलेज है कानून की और उन्होंने जो इंटरनेशनल मामले हैं वो पहले से ही उन्होंने डील किए हैं, लाइक दैट, चाहे वो गीता का मैटर हो चाहे वो किसी का भी मैटर हो, तो उन्होंने अच्छे से वो डील किए हैं मैटर। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी आप लोगों से कि भाई एक बनकर रहें, आवाज उठाएं सीमा हैदर के खिलाफ, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। आप देखें ईद आ रही है लेकिन हर पिता अपने बच्चों के साथ खुशियां सेलिब्रेट करना चाहता है, रमजान के दिन रहे हैं, लेकिन वो पिता तो बेचारा अकेला है, तकलीफ में है, परेशान है, उसकी आंखों के सामने बोला जाता है कि तेरे बच्चों का धर्म परिवर्तन हो गया, तेरे बच्चों का ये हो गया, तेरे बच्चों का वो हो गया, उसकी जो बीवी है, उसकी जो अहलिया है वो किसी दूसरे से शादी का ये ड्रामा करती है, चाहे ड्रामा हो या कुछ भी हो, किसी दूसरे के साथ वो ऐसे बंधन में बंध रही है, ऐसा दिखा रही है सो कॉल्ड की जैसे तेरी तो बिल्कुल शादी वादी सब हो चुकी है। तो भाई देखिए, गुलाम हैदर तकलीफ में है, परेशानी में है, हम तो इतना ही कहेंगे कि भाई सब लोग एक साथ जुड़े, एक साथ सब लोग बने रहें और जो ऐसे ही भगोड़ी की बैंड बजाते रहे और हंसते रहे वही मुस्कुराते रहे, क्योंकि देखिए परेशान होने से तो कुछ ना होने वाला। बस सीमा हैदर की ऐसे मतलब इसको इतना मेंटली हैरेस कर दो, इसको इतना दिमागी रूप से बीमार कर दो कि बस ओ माय गॉड कि जिससे ये कहे। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक एडवाइस देना चाहूंगी, सीमा अगर तुझे समझ में आए तो तू एक बात समझ, तूने जो गुलाम हैदर का साथ जो तूने गलत किया है, अभी भी वक्त है, अपने वतन लौट जा और उस पिता को उसके बच्चे लौटा दे और फिर तू भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, नरक में जा, और तुझे जहां मन करता है दोजख में जा, जहां तेरा मन करता है तू वहां जा, लेकिन गुलाम हैदर को उसके बच्चे लौटा दे अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो। हालांकि तेरी भलाई तो कभी होने नहीं वाली है, क्योंकि तूने एक बाप को आंसू इतने दिए हैं, हम लोगों के तूने इतना सर में दर्द किया है, इतने लोगों की बद्दुआएं तेरे साथ है। अरे किसी एक मजलूम की बद्दुआ लग जाए ना तो इंसान का सर्वनाश हो जाता है, तेरे साथ तो इतने लोगों की बद्दुआएं हैं, तो सोच तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया।
और सुन लप्पू को बोलती हूँ ये बात, तुम्हें तेरा क्या होगा रे कालिया। और लप्पू तूने जो लप्पू बनकर ये जो गप्पू वाला काम किया है ना, तेरा तो ऐसा बैंड बजेगा ना तू भी देखता रह जाएगा आखिर ये तेरे साथ क्या हुआ। ये तेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद तू बचेगा ही नहीं कोई गलती करने लायक, अंडरस्टैंड, ये बात ध्यान रखना। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ठोको जल्दी से लाइक और करो जल्दी जल्दी कमेंट।